हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज सब लोग, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, रिडॉक्स रिएक्शन मैं समाप्त कर चुका हूँ। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन पार्ट टू आएगा, जिसको हम रिडॉक्स टाइट्रेशन बोलेंगे। तो रिडॉक्स रिएक्शन में, ठीक है, चैप्टर समाप्त होने के बाद आपको उसमें जितने भी क्वेश्चन है जे में, नीट में, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सबको हम लोग बनाएंगे। और आई होप, मैं ऐसा करता हूँ कि शायद मैंने जो पढ़ाए हुए, जो मैंने पढ़ाया आपको, उससे एक भी क्वेश्चन आपके कॉपी से बाहर नहीं है। तो उसको हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, जिसमें टेस्ट पेपर वन हो चुका था। आज हम लोग लेकर आए हैं टेस्ट पेपर टू, जिसमें ये आपको क्वेश्चन देखिए ध्यान से, नीट 2018, ठीक है, नीट 2018 का क्वेश्चन है। तो जितने भी क्वेश्चन पूछे होंगे रिडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन को आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलिए, नीट 2018 क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर। कोई भी क्वेश्चन जब बनाना बाबू, तो उस क्वेश्चन के बारे में पहले सोचना है कि क्वेश्चन में करना क्या है। द करेक्ट ऑर्डर, सही ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड, नाइट्रोजन कंपाउंड का सही बताना है इन इट्स डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटते क्रम में ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर का घटते क्रम में, ठीक है ना। आपको बताना है कि चार जो ऑप्शन दिया हुआ है और सब में नाइट्रोजन कंपाउंड है, नाइट्रोजन कंपाउंड है, नाइट्रोजन कंपाउंड है। आपको कह रहा है कि आप बताना है किस ऑर्डर में दोस्त, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होते हैं, पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर सबसे छोटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है ना। तो ऑप्शन में आपको चेक करना है, पहले ऑप्शन को गौर से देखो, देख लीजिए सर, मुझे ऑप्शन सेम ही लग रहा है। देखो क्या है, सेम क्या बोले, मैं पहले HNO3 का निकालो, ठीक है ना बाबू। तो नाइट्रोजन का निकालेंगे, नाइट्रोजन का कंपाउंड है 1:1, नाइट्रोजन का x माइनस 2:3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5, ठीक है। दूसरा निकालते हैं NO का, इसका माइनस 2, तो इसका क्या हो जाएगा, प्लस 2, यहां नाइट्रोजन कितना हो गया, प्लस 2। तीसरा N2 इज द फ्री एलिमेंट, नेटिव एलिमेंट, अनकंबाइंड एलिमेंट, ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 0, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है प्लस 2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है प्लस 5, और तीसरा NH4Cl माइनस से क्या करेंगे, प्लस, ठीक है ना। तो इसमें किसका निकालेंगे, NH4 प्लस नाइट्रोजन का x प्लस 1:4 इज इक्वल टू प्लस 1, एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 3। देख लो बच्चे अच्छे से, तो बताओ इसमें नाइट्रोजन क्या है, प्लस 5, प्लस 2 0, माइनस 3, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, ए इज द करेक्ट आंसर। यहां देखो प्लस 5 प्लस 2 माइनस 3 गलत है, ये 0 है। यहां देखो प्लस 5 माइनस 3 गलत है, क्योंकि आप प्लस 2 ये क्या है, 0 है। तो इस टाइप से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। कोई कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन, मजा आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सीरीज का दूसरा क्वेश्चन है, फिर से नीट 2018, फिर से नीट का क्वेश्चन है, ठीक है। पहले क्वेश्चन देखो आपको दोस्त, जल्दी देखो बढ़िया से, देखिए 30 सेकंड तक बढ़िया से क्वेश्चन देखो, इसको सोचो। फॉर द रिडॉक्स रिएक्शन, कोई रिडॉक्स रिएक्शन है, MnO4 माइनस प्लस C2O4 माइनस 2 प्लस H प्लस Mn प्लस 2 प्लस CO2 प्लस H2, द करेक्ट ओबीसी, करेक्ट सही गुणांक रिएक्टेंट ऑफ द बैलेंस इक्वेशन है, रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट का बैलेंस इक्वेशन आ रहा है। MnO4 का ऑप्शन दिया हुआ है, MnO4 का गुणांक 16 है कि 2 है, कि 2 है कि 5 है, फिर C2O4 है उसका 5 5, 16 16 दिया हुआ है, फिर इसमें से चारों में से कोई एक क्या है, करेक्ट है, समझो अच्छे से। तो आप अगर इस क्वेश्चन को गौर से देखोगे दोस्त, तो हम सीरीज जो चल रहा था नीट और जेई का, जो सीरीज चला रहे थे, उसमें हम पहला सीरीज को सॉल्व किए हुए, ठीक है। पहले क्वेश्चन समझा देते हैं आपको, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है आपको, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिए अच्छे से।
क्वेश्चन कर रहा है कि रिडॉक्स रिएक्शन ये दिया हुआ है, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन ये दिया हुआ है, कह रहा है कि इसका संख्या क्या होगा बैलेंस करने के बाद, इसका संख्या क्या होगा रिएक्टेंट, क्योंकि इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टिंग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त रिएक्टेंट, और इसको क्या बोलते हैं दोस्त प्रोडक्ट, ओके। तो आपको प्रोडक्ट के बारे में वो कुछ भी नहीं पूछा है, पूछ रहा है कि बैलेंस कर लो, ठीक है, और मिलान करो कौन सही है कौन गलत है, आई मीन MnO4 माइनस कितना है, C2O4 माइनस कितने हैं, H प्लस कितने हैं, ये बोल रहा है आपको फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है दोस्त। चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन को मैं दो तरह से कॉन्सेप्ट दिया था, एक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और दूसरा बताए थे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में क्या था, सबसे पहले हम क्या बताएंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन को फाइंड करेंगे, फिर दोनों को अलग अलग करेंगे, फिर से क्या करेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छुएंगे नहीं, बाकी को क्या करेंगे बैलेंस करेंगे, उसके बाद हम बताए थे हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे H2O से, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे H2O से, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे H2SO, फिर चार्ज इज बैलेंस बाय द एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट साइड वेयर चार्ज इज ग्रेटर, ये काफी लंबा प्रोसेस हो जाता है, ओके। सेकेंड प्रोसेस में बताया था ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, रिडॉक्स रिएक्शन का लेक्चर नंबर 9, 10, 11 यही है, ठीक है बाबू। तो हम ऑक्सीडेशन नंबर बताए थे कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि उस रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, पहला यही कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि जिस एटम का ऑक्सीडेशन होगा, जिस एटम का रिडक्शन होगा, उसी को बैलेंस करेंगे। तीसरा कह रहा है सब एटम को बैलेंस कर देंगे। फोर्थ नंबर में कह रहा है ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर जोड़ेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ जोड़ेंगे, ठीक है बाबू, और चार्ज को बैलेंस करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यही कौन सकता है। देखो तो सबसे पहले हम इसी वे में बता रहे हैं आपको, आपको जैसे अच्छा लगे आप बना सकते हो बाबू, ठीक है। चलो क्वेश्चन तो यही है, सॉल्व कैसे करेंगे, चलो इसको सॉल्व करके मैं दिखा रहा हूं, ओके बाबू सॉल्यूशन, ठीक है गाइस। देखो सबसे पहला बात, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 7 होगा, कैसे, x-2 × 4 = -1, x = कितना हो गया 7, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो इसका 2x-2 × 4 = -2, 2x = हो जाएगा 2 - 2 + 8, 2x = हो जाएगा 6, x = हो जाएगा 3, यहां पर क्या लिख देंगे 3, 2x = 6, तो x = क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। और इसको सोचो मत, क्योंकि ये लास्ट में इसी वे में खुद से आ ही जाता है, उस पे दिमाग लगाने की टेंशन जरूरत तो है नहीं। इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 और इसका क्या हो जाएगा 4, कैसे, कार्बन का x-2 × 2, ओके बाबू, तो x = क्या हो जाएगा 4, देखो अच्छे से। अब ये 7 से कहां जा रहा है 2 पे, तो रिडक्शन हो रहा है पहचान लिए, और ये 3 से कहां जा रहा है 4, ऑक्सीडेशन हो रहा है पहचान लिए। तो पहला कॉन्सेप्ट यही कहता है ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट में कि बाबू पहले तो पहचान लो किस एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस एटम का रिडक्शन हो रहा है, ओके बाबू। चलो अब ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज निकालेंगे, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 7-2 कितना का चेंज आ रहा है 5, अब यहां निकालेंगे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 4-3 कितना का आ रहा है 1 आ रहा है चेंज। चलो तो अब क्या मैं बोला, ठीक है ध्यान सुना, कि उसी पहले तो चेंज निकालने के लिए पहले चार्ज का चेंज निकालने के लिए यहां पे कितने हैं 2 है, तो 2 है तो 2 कार्बन कितना हो जाएगा 6, यहां 2 कार्बन कितना 8, तो यहां पे 1 × 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, देख लो बढ़िया से चेंज क्या हो गया 2। उसी एटम को बैलेंस करना है जिस एटम का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा हो, तो यहां कार्बन 2 था, यहां कार्बन 1 था, 1 के लिए चेंज आया 1, 2 कार्बन के चेंज क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे उस एटम को बैलेंस कर दिए, अब कहता है क्या बाबू चार्ज को बैलेंस कर लो, यहां 5 है यहां 2 है ऑक्सीडेशन, तो यहां कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा
दो से, और यहां कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फाइव से। एकदम प्यार से सॉल्व करो, इस पूरे इक्वेशन को कितना से मल्टीप्लाई किया गया है, जल्दी बोलो। दो से कर दो, टू एम एन ओ फोर माइनस, ओके गाइस, इसमें, और इसमें कितना से मल्टीप्लाई हुआ, फाइव, फाइव सी टू ओ फोर माइनस टू, सीधा इधर आ जाओ, टू एम एन प्लस टू प्लस फाइव सी ओ टू, देख लो अच्छे से, देख लो, एम एन दो, एम एन दो, कार्बन दस, यहां पांच से मल्टीप्लाई करेंगे तो कार्बन कितना हो जाएगा बाबू, सॉरी गाइस, यहां दो से मल्टीप्लाई कर दिए तो यहां पे कितना हो जाएगा कार्बन, दस, क्यों दो से मल्टीप्लाई करेंगे, देख लो यहां कार्बन कितना है बाबू, दो, यहां कार्बन कितना था, एक, इसलिए दो से मल्टीप्लाई कर दिए, देख लो अच्छे से, ठीक है, दस दस हो गया। अब क्या करना, ऑक्सीजन काउंट करो, तो पांच सौ का फाइव इंटू फोर बीस, अट्ठाईस, इधर कितने ऑक्सीजन है, ट्वेंटी एट ऑक्सीजन है, इधर देखो कितने ऑक्सीजन है, बीस, ट्वेंटी ऑक्सीजन है, और इधर कितना, ट्वेंटी एट है, इधर कितना की कमी है, आठ ऑक्सीजन है, आठ एच टू जोड़ दिए हैं, ठीक है, यहां ऑक्सीजन कितना हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया, आठ गुना सोलह, यहां क्या कर देंगे, सोलह एच प्लस कर देंगे, अब आपका आंसर में क्या आ जाएगा, टू फाइव सिक्सटीन, कोई कंफ्यूजन है तो देख लो अच्छे से, कंफ्यूजन है तो देख लो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चलो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जेईई 2019 एकदम ताजा ताजा क्वेश्चन है, जेईई 2019 का क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन बड़ा अच्छे से, इन द रिएक्शन, कोई रिएक्शन है ठीक है वो आपको बनाना है, ओके गाइस, इन द रिएक्शन ऑक्सलेट आयन विथ मैग्नेट पर मैग्नेट आयन पर मैग्नेट इन एसिडिक मीडियम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की संख्या इन्वॉल्व, शामिल होता है इन प्रोड्यूसिंग, प्रोड्यूस करेगा, उत्पन्न करेगा वन मॉलिक्यूल ऑफ CO इज, एकदम क्लियर कीजिए, जेई 2019 का क्वेश्चन बाबू, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जितने भी क्वेश्चन होंगे रिडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड वो सारे क्वेश्चन को एक सीरीज बना कर आएगा, ओके बाबू, फिर से कल शुरू करेंगे हम लोग एस ब्लॉक, तो एस ब्लॉक को जब समाप्त करेंगे उससे रिलेटेड जितने भी जेई नीट के प्रॉब्लम होंगे फिर हम लोग उसको करेंगे, ठीक है ना, लॉकडाउन में इसी तरह से हम लोग चलेंगे। इन द रिएक्शन सॉल्यूशन कर रहे हैं, कैसे करेंगे सॉल्यूशन बाबू, देखो सॉल्यूशन कैसे कर रहे हैं हम लोग, समझो इसको अच्छे से, सॉल्यूशन मैं दिख रहा हूं, दिख रहा हूं, इन द रिएक्शन कोई रिएक्शन है ऑक्सलेट आयन, सर ये ऑक्सलेट आयन क्या होते हैं बाबू, सी टू ओ फोर माइनस टू, इसी को बोलते हैं ऑक्सलेट आयन, विद पर मैग्नेट एम एन ओ फोर माइनस, इसी को बोलते हैं पर मैग्नेट आयन, ऑक्सलेट आयन इन एसिडिक मीडियम, किस मीडियम में बाबू, एसिडिक मीडियम में, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की संख्या इन्वॉल्व, शामिल होगा प्रोड्यूसिंग, ये सब रिएक्शन कर करके प्रोड्यूस कर रहा है वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2, कितने मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2, तो सबसे पहला बात आपको CO2 का इलेक्ट्रॉन चेंजिंग निकालना, तो लेफ्ट साइड में खोजो यही तो मिलेगा आपको, ठीक है ना बाबू, तो इतना मैं लिख दिया, जैसे क्वेश्चन करो वैसे किया, इन द रिएक्शन कोई रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है, ऑक्सलेट आयन, ऑक्सलेट आयन विद पर मैग्नेट के साथ एसिडिक मीडियम में क्या कर रहा है, रिएक्शन किया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, इलेक्ट्रॉन जो इन्वॉल्व हुआ है, शामिल हुआ है इन प्रोड्यूसिंग वन मॉलिक्यूल CO2, एक मॉलिक्यूल CO2 के बनने में जितना इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इन्वॉल्व होगा, लिसन गाइस, तो ये तो आपका रिएक्शन में लिख दिया, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे मैंने कर दिया, ठीक है ना, चलो इसका ऑक्सीडेशन हम निकालो, 2x minus 2 into 4 is equal to minus 2, तो 2x is equal to 6, x is equal to कितना गया, 3, एक कार्बन का 3, क्योंकि यहां कार्बन कितने बाबू, एक है, ओके ना, चलो
ये माइनस फोर, ये हो गया प्लस फोर, ओके एक कार्बन डाल, मेरे को दो कार्बन, अगर टू मॉलिक्यूल का था तो मैं टू से मल्टीप्लाई कर देता, बट यहाँ कितने मॉलिक्यूल बुरा है, एक मॉलिक्यूल बुरा है। अब बताओ तीन से कहां जा रहा है, चार में, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर फोर माइनस थ्री कितना हो गया वन, और यही ना वन इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, इन्वॉल्व हुआ है, वन इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, चेंजिंग हुआ है, आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। कंफ्यूजन है बाबू, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट टेस्ट सीरीज नंबर थर्ड में, आज के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।